कमरतोड़ महंगाई से दिल्ली वालों का बुरा हाल है। बिजली कंपनियों ने बिजली की दरों में और इजाफा करने की कवायद शुरू कर दी है। नए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों ने 18 से लेकर 28 फीसदी तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। महंगाई से त्रस्त दिल्ली वालों के लिए एक और बुरी खबर। दिल्ली की तीनों प्राइवेट बिजली कंपनियों BSES यमुना, BSES राजधानी और टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। तीनों ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 18 से 28 फीसदी तक दरें बढ़ाने की मांग की है। TPDL ने 18 फीसदी, BSES राजधानी ने 19.8 फीसदी, जबकि BSES यमुना ने करीब 28 फीसदी तक दरें बढ़ाने की मांग DERC से की है। टैरिफ पिटीशन आते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल नाजायज है, किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारी दिल्ली के अंदर आंदोलन किया जाएगा, जनता भी आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आंदोलन करेंगे, RWA भी आंदोलन करेगी और ये जो सांठगांठ है इसका पर्दाफाश किया जाएगा दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच। बिजली कंपनियों की मांग पर पिछले साल DERC ने बिजली की दरों में 22 फीसदी का इजाफा किया था। एक महीने पहले ही DERC ने दिल्ली वालों से करीब 5 फीसदी फ्यूल सरचार्ज वसूल किया था। जाहिर है लगातार बढ़ती कीमतों से दिल्ली वाले परेशान हैं। पहले 22% बढ़ाते हो, फ्यूल सरचार्ज के नाम पे 5% दोबारा बढ़ाते हो, अब फिर आप 28% बढ़ाने की सोच रहे हो। यार कितना लूटोगे पब्लिक को, इसका जवाब तो दे दो। जब DERC मान रही है बंगलिंग है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको चेक क्यों नहीं करते, आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते। दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने ही वाले हैं, ऐसे में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव तक दरें नहीं बढ़ने वाली, लेकिन इशारा साफ है कि चुनाव बीतते ही दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार बिजली कंपनियों का साथ दे सकती है। दिल्ली की सरकार ये तो समझने के लिए तैयार नहीं कि दिल्ली की कमर तोड़ महंगाई में आम आदमी का जीना कितना मुहाल है। हाँ, वो उस आम आदमी को ना समझ जरूर समझती है, तभी तो दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का ठीकरा वो कंपनियों के सिर फोड़ने के लिए तैयार है। मुमकिन है आम आदमी वक्त आने पर ये बता दे कि सरकार उसे जितना नासमझ समझती है वो उतना नासमझ नहीं है। कैमरामैन किशन कुमार के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।